नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम जन सरोकार। जन सरोकार में हम लोग बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधा जुड़े होते हैं आपसे। हर साल 4 फरवरी को हर साल यहां पर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों में आप पर कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, खासतौर पर अगर इसका निदान समय पर नहीं हो सके तो कैंसर का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल कर ही आप इससे बच सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि यहां पर उस कैंसर के बारे में कि कैसे वो कैंसर फैलता है, कैंसर कितने प्रकार का महिलाओं में हो सकता है, 4 ऐसे कैंसर के बारे में जो महिलाओं में सबसे आम बातें होना। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे 200 से भी ज्यादा कैंसर हैं जो महिलाओं के साथ पुरुषों को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ये 4 तरह के कैंसर महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 4 कैंसर कौन से हैं जो महिलाओं के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन से कैंसर है। स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, क्लोन कैंसर, ये वो 4 ऐसे कैंसर हैं जो महिलाओं में आम तौर पर हो जाते हैं और ये जानलेवा साबित होते हैं। इन सभी में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल के अनुसार वैश्विक स्तर पर इसकी चपेट में आने से 21% लोगों की मौत हो जाती है और वहीं स्तन कैंसर से 15% लोग अपनी जान गंवा देते हैं और क्लोन कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो 8% स्तन कैंसर एक या फिर दोनों यहां पर स्तन को अपने प्रभावित कर सकता है। ये बताया जा रहा है कि अंडर आर्म में भी लिम्फिक ग्लैंड्स तक भी फैल सकता है जिससे यहाँ पर सूजन आ सकती है। स्तन कैंसर एडवांस स्टेज में यहाँ पर फेफड़ों, हड्डियों, दिमाग और साथ ही लीवर तक फैल सकता है। और चलिए बात करेंगे अब सर्वाइकल कैंसर की। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर ये गर्भाशय के मुंह को यहाँ पर प्रभावित करता है और साथ ही योनि और साथ ही मूत्राशय मलाशय तक भी फैल सकता है और गर्भाशय या फिर पेट के आसपास लिम्फक ग्रंथियों को भी शामिल कर सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और चलिए बात करेंगे अब तीसरे नंबर के यहाँ पर फेफड़ों के कैंसर की। अगर किसी को यहाँ पर फेफड़ों का कैंसर होता है तो उसके एक या फिर दोनों फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं लेकिन लिम्फ ग्लैंड्स में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। कई बार एडवांस स्टेज में यहाँ पर हड्डियों या फिर दिमाग में भी प्रभावित हो सकता है। 4 नंबर पर क्लोन कैंसर की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर क्लोन कैंसर, इस कैंसर में यहाँ पर बड़ी आंत प्रभावित होती है और ये लीवर, फेफड़ों और साथ ही मस्तिष्क तक भी फैल सकता है जो काफ़ी नुकसान दे सकता है। और स्किन कैंसर की भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार स्किन कैंसर कैसे और किस तरह से असर शरीर पर डालता है। तो त्वचा का कैंसर मुख्य रूप से यहाँ पर स्किन के उस हिस्से पर विकसित होता है जहाँ पर सूरज की किरणें लंबे से यहाँ पर जो है समय तक पड़ रही हैं, जिसमें यहाँ पर स्कैल्प, चेहरा, होंठ, कान, गर्दन, छाती, हाथ और पैर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये उन क्षेत्रों पर भी असरदार हो सकता है जिन पर धूप नहीं पड़ती, जैसे हथेलियाँ, नाखून, पैर की उंगलियाँ और निचला हिस्सा और साथ ही आपके जननांग आदि। इन 4 तरह की कैंसर के लक्षण यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे उनके लक्षण हो सकते हैं, किस तरह का उनका असर हो सकता है, तो उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्तन कैंसर की। आपको बता दें कि यहाँ पर स्तन कैंसर के लक्षण सबसे पहले यहाँ पर स्तन में सूजन या फिर गांठ होना, इसके अलावा बगल में भी सूजन या फिर गांठ भी स्तन कैंसर का संकेत हो सकता है। निपल के टेक्सचर में भी बदलाव हो सकता है या फिर डिस्चार्ज हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर, रुक रुक कर खून बहना, संभोग या के बाद या फिर खून बहना, पेशाब या फिर मल त्यागने में कठिनाई सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 पर बात करेंगे क्लोन कैंसर की, कैसे लक्षण क्या हो सकते हैं आपको बता दें। क्लोन कैंसर के मामले में यहाँ पर कब्ज या फिर दस्त हो सकते हैं, मल त्यागते वक्त दर्द और साथ ही खून आ सकता है। और अगर बात 4 पर फेफड़ों के कैंसर की करें तो उसके क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं तो उसके बारे में बता दें। फेफड़ों का कैंसर, 3 हफ्तों से भी ज़्यादा लगातार खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बुखार का ना उतरना,
थूक में खून आना, अगर कैंसर दूसरे अंगों तक फैल चुका है तो सिर दर्द या फिर बदन दर्द होना, वजन का कम होना इसके लक्षण हो सकते हैं। त्वचा कैंसर की बात करें तो उसके लक्षण जो है ये हो सकते हैं कि यहाँ पर त्वचा पर तिल का आकार या फिर संख्या का अचानक बढ़ जाना, भूरे या फिर लाल रंग का घाव होना और लंबे वक्त तक ठीक ना होना, त्वचा पर घाव की पपड़ी की परत का उतरना, आंखों के आसपास अक्सर जलन महसूस होना, सपाट पपड़ीदार लाल रंग का पैच पीठ या फिर छाती पर होता है। समय के साथ यहाँ पर पैच काफी बड़े भी हो सकते हैं, तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें से किसी भी तरह की आपको कोई शिकायत होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आज आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।